नकल डूड, यस, जा जाके वॉच कर, वार्निंग कौन देगा? मैं क्यों? सिट है ना? शट अप डूड, समझा कर, टर्न बाय टर्न। नकुल मैन, कम ऑन, पकड़े के तो सब मरेंगे ना। नकुल के बिना तुम क्या करते? अच्छा डूड, सर्च इंजन्स के 3-4 विंडोज एक साथ खोलना। आई कैन ओपन दिस वन। हम जब भी झगड़ा करते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई हेट इट। अर्जुन जी, आपको लेने आने के लिए थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनीवेज, इन माय बुक यू कूल। उन बाकी जूनियर्स की तरह तुम इरिटेटिंग नहीं हो। टिया आहूजा को किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। वेल देन, टिया आहूजा को मेरी अपोलॉजी। एक्सेप्टेड। बाय बाय। टिया और अर्जुन, थैंक्स अगेन। नो प्रॉब्लम। वैसे टिया, तुम्हें स्कूल क्यों वापस आना था? वो टिया के पापा के कुछ गेस्ट टिया को पसंद नहीं। एक्चुअली सिर्फ एक गेस्ट। इरा, इरा। You know what, Tia? The night is still young. Do you want to go get some dinner? But Tia ko to permission leni padegi. Well then, permission granted. Really? Arjun, I. So? Thanks, Masi. मेरी वजह से आपको भी जल्दी आना पड़ा ना? कोई बात नहीं बेटे, मुझे भी तो अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं, वो काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एक बात बता। हाँ जी। वीकेंड खत्म होने में तो अभी देर है, तो इतनी जल्दी स्कूल क्यों आना चाहती थी? वो मासी, एक्चुअली ना इको के एग्जाम की पढ़ाई करनी थी, रिवीजन करना था, मेरा मतलब करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल आ जाती हूँ, अच्छे से हो जाएगा। बेटे, जब मुझसे झूठ बोल नहीं सकती तो कोशिश क्यों करती है? सच बता, अमन के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई ना? नहीं। हाँ, मेरा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आप उसे गुस्सा करते हैं। लो, अब मैंने क्या गुस्सा किया? मैं जानती हूँ वो तुझसे बहुत प्यार करता है, पर ये क्या तरीका हुआ प्यार दिखाने का? मैं चाहती हूँ कि वो इस रिश्ते को समझे, समझ ले कि उसे इस रिश्ते को कहाँ तक लेकर जाना है। बस पता नहीं वैसे क्यों बिहेव कर रहा है। तेरे भले की सोचती हूँ इसीलिए कहती हूँ, तुझे किसी भी लड़के की वजह से इतना दुखी नहीं देख सकती मैं। अगर प्यार है तो खुशी होनी चाहिए, अगर खुशी नहीं तो वो प्यार नहीं। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा। It was real fun. Hi. Thanks. तुम्हें पढ़ाई करनी होगी ना? मैं तुम्हारी हेल्प करूं? Yeah, sure. Hi, वृंदा. कैसी हो? Fine. और हैरी? Fine. अभी भी मेरे उससे फोन पे बात हुई। Oh, that's great. He's so amazing, adorable. सारा टाइम हंसाता रहता है। Stand up comic है क्या? Sit down comedian भी नहीं है। Nothing, nothing. तुम अब भी मुझसे नाराज होती है? पापा, टिया बस बहुत टायर्ड है। आई एम रियली सॉरी टिया कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में पहले नहीं बताया। आई नो इट्स माई फॉल्ट। और जो पल्लवी ने किया वो भी बिल्कुल गलत था। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? पापा,
इट्स ओके, टिया लव्स यू। टिया बस अपनी मॉम के बारे में जानना चाहती थी। I have a surprise ready for you, Tia. What? Tia loves surprises, Papa. What's the surprise? Surprise ये है कि Tia Ahuja Lakme Fashion House जाने वाली है। Wow, Papa, you're the best. मगर एक condition है। Okay, okay, Papa, Tia पढ़ाई भी करेगी और ज़्यादा shopping भी नहीं करेगी। Promise. No, Tia. तुम रणवीर को अपने साथ लेकर जाओ। पापा प्लीज, वो देहाती डिजाइनर्स उसके लिए क्या डिजाइन करेंगे? इट्स अ बिग चैलेंज। स्टॉप इट टिया, स्टॉप इट। तुम्हें किसी को इंसल्ट करने का कोई राइट नहीं है। देखो, उन डिजाइनर्स को तुम दोनों के लिए डिजाइन करने का असाइनमेंट दिया जाएगा एंड इट विल बी ग्रेट फन। फन? व्हाट फन? टिया उस कैक्टस को टॉलरेट नहीं कर सकती। टिया इज टोटली मैक्स्ड आउट विद हिम। आई एम सॉरी टिया, मैं तुम्हें अकेले जाने की परमिशन नहीं दे सकता। रणवीर विल गो विद यू। Okay, fine, Papa. Lakme Fashion House जाने के लिए टिया कुछ भी करेगी। उस illiterate को भी tolerate करेगी। Thanks, Papa. Bye. Good night. Good night. रुपी का depreciation is directly proportional to what? क्या ये सब? कुछ help? ये इको का रबिश किसने डिस्कवर किया है? शो मी। ये लो। क्या ये सब यूजलेस? ओके, एक मिनट मैं पढ़ लूं। यू एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑल दिस? शो। वाओ। वाओ बाद में। फुल पार्टी यू वरुण। इको में तो फुल पा, पर लाइफ में कुछ नहीं पता। पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है तुम बिल्कुल आशी की तरह बात करते हो। आशी? अब एक मिनट, एमपी, रीड दिस। आशी तुम्हें बहुत लाइक करती है। मुझे नहीं लगता कि ये आशी ने लिखा। क्यों? क्योंकि ये आशी का स्टाइल नहीं है। इफ शी वाज हियर तो तुम्हें साइको बुलाती। एग्जैक्टली, साइको नहीं बुलाया। वरुण, यू आर नट्स। एमपी, क्या आशी मुझे सच में लाइक करती है? क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का डर? बस यही कि आशी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, अ स्पेशल फ्रेंड। सुनो वरुण, अगर आशी ने इतना कुछ लिखा है तो फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही फील करती है तुम्हारे बारे में। सच? एब्सोल्युटली सच। I knew from the beginning कि तुम्हारे बारे में आशी के feelings बहुत strong हैं। Yuvi। Hey, hi Tia, how are you? Hey, Yuvi, आज तुम्हारा lucky day है। Tia तुम्हें अपने साथ Lakme Fashion House ले जा रही है। And why is that? Please, Yuvi. टिया के पापा टिया को वहाँ भेजे। इट्स अ ग्रेट प्लेस। तुम्हें पता है वहाँ जो डिजाइनर्स है ना, वो हमारे लिए क्लोथ्स डिजाइन करेंगे। एंड यू नो व्हाट? वी विल वॉक ऑन द रैंप विद दोस क्लोथ्स ऑन। या पता है किसके सामने? डोनाटेलो वर्साचे के सामने। इज़न्ट दैट कूल? टिया साउंड्स रियली कूल, बट
you know, fashion and all, not my scene. Yuvi, वहाँ इतनी सारी hot models होंगी. Just imagine, Tia तुम्हें उन सब से introduce करवा सकती है. अब Yuvi, अगर तुम नहीं आए ना, तो Tia को उस cactus के साथ वहाँ जाना पड़ेगा. Tia, did you say hot models? And मैं युवराज देव उन hot models के साथ ramp पे चलूँगा. Sounds really exciting. Okay, you got a deal. But on one condition. Hot models के साथ introduction तुम्हारा काम. Yuvi, तुम वैसे ही वहाँ के center of attraction होगे. A celebrity, वो खुद ही तुमसे आकर वहाँ मिलेंगी. देखना. So it's a deal? Yeah, पक्का. Bye. Bye. Yuvi. Thank you so much. Anytime, dear. Anytime. Bye. See you. क्यों नहीं चल रही हो तुम? चलो उठो, चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में. चाइनीज, थाई, जो भी तुम्हें पसंद है. Let's have it. अब सल्क मत करो लतिका. Come on, get up. मुझे नहीं चलना. तुम्हारे इस एटीट्यूड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. और अगर ये ड्रामा तुम वो साहिल के चक्कर में कर रही हो ना, तो देन फॉरगेट इट. मेरे पेशेंस की भी कोई लिमिट है. बट डैड, वन मिनट. Yes, Mr. Singhania. Mr. Jamwal. हाँ, how are you? आप वीकेंड पे भी ऑफिस में हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, आपको तो मालूम ही है कि वीकेंड हो या वीकडे हो, क्या फर्क पड़ता है? Doesn't make a difference at all. हाँ, मैं तो अभी भी स्कूल में हूँ. मिस्टर शाह अपने भतीजे को लेकर बहुत कंसर्न थे. हाँ, मैं समझता हूँ, बट तुम किसी स्टूडेंट को एक्सपेल नहीं कर सकते. नो, मिस्टर सिंघानिया, देखिए, किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेल करने से पहले मैं उसके केस को अच्छी तरह से स्टडी करता हूँ. हाँ, पर साहिल का जो बिहेवियर, देखो, मैं कुछ नहीं जानता. नो, मिस्टर सिंघानिया, वो एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता. डिसिप्लिन इशू है. उस लड़के के एक्सपल्शन को रोको. मिस्टर सिंघानिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट के बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता. उसे और कोई पनिशमेंट दे के छोड़ दो. यस. ओके. ओके, बाय. फाइन. डैड, सब ठीक तो है ना? Hey babes, how's Tia looking? Makeup, hairdo, all fine? Perfect. A perfume कौन सा use करे? कौन है? Ranveer. Come in. Hi Meher. Hi. Tia कहाँ है? Tia? वो या नहीं है? ठीक है, जब आप Tia से मिले तो उन्हें कह देना हम ढूंढ रहे थे. Sure. Bye. एक बात अच्छी तरह से समझ लो, साहिल अगर अभी भी स्कूल में है तो उसका रीजन ये है कि उसके अंकल ने सोर्स लगाया है और प्रेशर डाला है. ये मेरी चॉइस नहीं है. पर अल्टीमेटली तो वो स्कूल में ही रहेगा ना. वो स्कूल में रहे या ना रहे, पर मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम उससे नहीं मिलोगी. मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देखना चाहता. अंडरस्टैंड मिला तिका? नो, मैं नहीं अंडरस्टैंड करना चाहती. क्योंकि पहले एक टाइम था जब आप साहिल के साथ बहुत खुश थे. फिर क्या हो गया? बी केयरफुल. मुझसे बात कर रही हो तुम? अपने फ्रेंड से नहीं. और मैं अपने डिसीजंस, अपने एटीट्यूड्स क्यों बदलता हूँ, इसका मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है. ओके? अभी आप मेरे फादर हैं या स्कूल के प्रिंसिपल? तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, मगर साहिल से मिलने की परमिशन नॉट ग्रांटेड. और अगर मैं बिना परमिशन के मिलूं तो? तो मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा. मैन, क्यों, क्या इंटरप्ट कर दिया मैंने? यार, वो चिक्स जो चैट रूम में थी वो रियल थी ना, और कपल्स भी. जस्ट इमेजिन, आयशा मैम और सिड, कपल ऑफ द ईयर.
माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मिस मैच का, तू एक स्टूडेंट है और आयशा टीचर। आयशु नहीं। डूड, आई एम सॉरी नकुल। इडियट्स, नकुल कंप्यूटर रूम फ्री है कि नहीं? पकड़े जाते हम तीन अगर मैं वॉच नहीं कर रहा होता तो। वैसे गाइस, साइबर किस के बीच में अर्जुन भैया। डूड्स, अगर उस दिन रूम में किसी ने लाइट देख ली होती ना तो तुम्हारी साइबर किस की साइबर किक हो जाती। डूड्स, मेरे पास एक हॉट न्यूज है। क्या जंबू के रूम की चाबी मिल गई क्या? यू आर मैड ब्रो, टू डेंजरस। प्रिंसी का कंप्यूटर यूज करोगे तो मरोगे। नोप, नेवर। डूड, न्यूज ये है कि अर्जुन भैया बाहर गए हैं तो हम वापस जा सकते हैं। डूड, देखो कैसे पता? गाइस, वैसे भी नैरो एस्केप हुआ है, मुझे तो हिस्ट्री डिलीट करने का भी टाइम नहीं मिला। डूड, लेट्स गो, हो सकता है वो सेम चिक अभी भी नेट पर हो। या लेट्स लॉक, कम ऑन गाइस। कहाँ जा रही हैं आप? टिया, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, सिर्फ तुम्हें क्या? आप हमारी बात सुनिए। प्लीज, टिया को एक इनसेंसिटिव गवार से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करनी। डू गेट दैट? अर्जुन के साथ जा रही है ना? माय बिजनेस, माय प्रॉब्लम, माय लाइफ। शट अप। क्यों? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत बोरिंग है क्या जो तुम टिया को फॉलो कर रहे हो? अर्जुन इज नॉट ओके, हमारी बात मानिए। एक राजस्थानी गवार को क्या पता व्हाट्स ओके एंड व्हाट्स नॉट? तुम अपने डेजर्ट वापस क्यों नहीं चले जाते? यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, ब्लैक गैंग का भी यही कहना है। तो क्या आप भी अर्जुन के साथ ब्लैक गैंग ज्वाइन कर रही हैं? व्हाट? आप जरा दिमाग लगाइए, सोचिए, अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स के साथ है? स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, राइट? क्यों? व्हाई अस? इम्पॉसिबल। नो, इट इज पॉसिबल। अगर ब्लैक गैंग के मेंबर अर्जुन हैं, तो क्या सही है, क्या गलत, क्या ठीक है, क्या नहीं, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा मिस टिया आहूजा। प्लीज, तुम तो टिया को सोचना सिखाओ ही मत। क्यों? आपके बारे में सोचने का काम ब्लैक गैंग करता है। इनफ, टिया जोन आउट हो रही है तुम्हारी बातों से और टिया को अर्जुन के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनना है। ठीक है टिया आहूजा, अब आपको जो करना है आप कीजिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। You, Ranveer. Hey, Tia. All set? Yeah. All set. Great. Shall we? Arjun, वो actually अभी Tia के पापा का फोन आया था और उन्होंने Tia को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। क्यों? Why? What happened? I don't know. वो पापा ऐसे ही हैं. You know, sometimes. वो ही थिंक्स कि टिया को अपने स्टडीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। यू नो नो हाउ पेरेंट्स आर, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी अगेन। ओके, बाय। साहिल, व्हाट्स द अर्जेंसी? मैंने पापा से बात कर ली है, वो तुम्हें एक्सपेल नहीं कर रहे। रियली? वाओ लतिका, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, यू आर सच अ जीनियस। लेकिन साहिल, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब क्या हुआ? साहिल, पापा नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं, इसलिए अब से हमें केयरफुली मिलना पड़ेगा। लतिका, आई गेस आई एम कूल विद दैट। एंड साहिल, कुछ और भी चेंजेस होंगे। अगर आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखा तो मैं तुम्हें खुद एक्सपेल करवाऊंगी। वेट अ मिनट, आर यू ट्राइंग टू थ्रेटन मी लतिका? नो, बस तुम्हें एक फैक्ट बता रही हूँ। ओह, यू सी साहिल, मैं भी बदल गई हूँ। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं अभी भी एक बच्ची हूँ, पर मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगी।